डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फ्रॉम होम विद रचना मैम। आवर टुडेज टॉपिक इज डेसिमल। तो आज हम लोग देखेंगे डेसिमल क्या होते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग ने फ्रैक्शन को पढ़ा है कि फ्रैक्शन क्या होते हैं। फ्रैक्शन के बाद हमारा चैप्टर आता है डेसिमल, जो कि उसी से रिलेटेड है। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी डेसिमल का, कि डेसिमल क्या होते हैं। ठीक है, इसे हम कैसे डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी चीज लेते हैं और उसके 10 इक्वल पार्ट करते हैं, तो 10 इक्वल पार्ट करते हैं और उसमें से एक पार्ट आप लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई भी चीज हमने ली और इसके हमने कितने पार्ट कर दिए, 10 पार्ट कर दिए। कितने पार्ट कर दिए हैं, 10 पार्ट कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हुए हैं, ये 10। मान लीजिए इक्वल पार्ट है। ठीक है, ये सारे इक्वल है, मैंने स्केल से नहीं किया, तो समझ लीजिए 10 इक्वल पार्ट है। तो अगर ये 10 इक्वल पार्ट है और इसमें से अगर मुझे एक पार्ट ये वाला मिले, ठीक है, एक पार्ट, तो इसे आप कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में। हम लोग फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं ना, तो 10 पार्ट है टोटल, तो अपॉन में हमें क्या लिखना पड़ेगा, 10, और उसमें से हमें कितना मिला है, 1 मिला है, तो यहाँ आएगा न्यूमरेटर में 1, यानी इसे हम क्या कहेंगे, 1/10, है ना। तो फ्रैक्शन को, इसे हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, 1/10। लेकिन अगर यही चीज हमें डेसिमल में लिखनी हो तो इसे हम कहेंगे 0.1। इसे हम क्या कहेंगे कि ये 0.1 है, यानी इसी नंबर को हमने डेसिमल फॉर्म में भी चेंज कर दिया और इसी नंबर को हमने फ्रैक्शन में भी चेंज कर दिया। ठीक है, तो डेसिमल क्या होते हैं, तो डेसिमल का साइन होता है इस तरह से, एक पॉइंट। ठीक है, ये इसका क्या होता है, साइन होता है। डेसिमल का यूज हम क्यों करते हैं, कभी कभी क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे होल, कोई भी चीज है बहुत सारे होल भी होते हैं और कभी कभी कुछ फ्रैक्शन पार्ट भी होते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 4 1 रुपीज के कॉइन है, 4 कितने हैं, 1 रुपीज के कॉइन है, और 2 मेरे पास 50-50 पैसे के कॉइन है। ठीक है, या फिर 1 मेरे पास 50 पैसे का कॉइन है, तो यहाँ पर 4 हमारे क्या हो गए, होल हो गए, और 1 हमारा क्या हो गया, 50 पैसे का हो गया। तो यहाँ हम इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 4.5 एक्सप्रेस करेंगे। ये कितना रुपए हमारे पास हो गया, 4 रुपए 5 पैसे हो गया ना। तो इस तरह से कभी कभी हमारे पास होल होते हैं और कभी कभी कोई चीज आधी होती है या फिर फ्रैक्शन में कोई चीज हमारे पास होती है, तो दोनों को एक साथ दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, डेसिमल का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास 4 बन है। ठीक है, कितने बन है, 4 बन है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। हमारे पास कितने बन है, यहाँ पर 4th बन है। ठीक है, 4 बन है, जिसमें से पहला वाला बन है वो पूरा मिल गया, जो दूसरा बन है वो भी क्या हो गया, पूरा मिल गया, तीसरा बन भी हमारे पास क्या हो गया, पूरा मिल गया। लेकिन जो ये 4th वाला बन है, इसे 10 इक्वल पार्ट में हमने किया और उसमें से हमें पूरा बन नहीं मिला, ये 4th वाला सिर्फ इतना पार्ट मिला। यहाँ पर देखिए हमें कितना पार्ट मिला, सिर्फ इतना पार्ट मिला, यानी इसको हमने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो 2/10 है ना। फ्रैक्शन में हम इसे कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसके कितने इक्वल पार्ट है, 10 है, और हमें कितना पार्ट मिला है, 2, तो 2/10। तो अगर कोई आपसे पूछे बताओ आपको टोटल कितना बन मिला, तो आप क्या बताओगे, ये तो आप बता लोगे कि 1 2 3 3 होल मिला। ठीक है, और ये फ्रैक्शन को फिर आप कैसे बताओगे। ठीक है, तो कभी कभी होल को और फ्रैक्शन को एक साथ बताने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, डेसिमल का हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसे हमने क्या लिखा, 2/10 लिखा है ना। फ्रैक्शन में हम इसे ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन डेसिमल में हम इसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, नीचे 1 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा 0.2। डेसिमल में हम इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 0.2। ठीक है, और होल हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 3 बन हमारे पास क्या है, होल है। 3 बन कैसे है, होल है, यानी पूरे पूरे हैं, और हमारे पास 0.2 बन और है, 0.2 बन क्या है, और है। अब दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड, ऐड मतलब तभी तो हम बताएंगे ना हमारे पास टोटल कितना बन है, तो इसे हम कैसे कहेंगे, 3.2। ठीक है, इसे हम इस तरह से क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पर जो 3 है, पॉइंट के पहले जो नंबर हमारा लिखा होता है, यानी कि ये हमारा जो 3 है, ये शो करता है कि 3 हमारा होल है, 3 हमारा क्या है, होल है। जरूरी नहीं कि बन की बात की जा रही हो, अगर मैं बिस्किट भी ले लूं, चॉकलेट भी ले लूं, कुछ भी ले लूं, तो यानी 3 चॉकलेट मेरे पास पूरी पूरी हैं। और 2 का क्या मतलब हुआ, यहाँ पॉइंट टू का मतलब हुआ कि कोई भी चीज जो भी है, मान लीजिए मैंने जैसे चॉकलेट कहा, तो चॉकलेट के 10 इक्वल पार्ट किए और उसमें से 2 पार्ट मुझे मिला, तो टोटल मेरे पास कितने हैं, पूरी पूरी 3 चॉकलेट हैं। और 3 चॉकलेट में अगर हम, जो हमारे पास 4th चॉकलेट है, उसके 10 इक्वल पार्ट में से 2 पार्ट हमें मिल जाए, तो
तो ये हमारे पास इतना हमारे पास हो गया, ठीक है। तो उसे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 3.2 चॉकलेट है हमारे पास, कितना चॉकलेट हो गया हमारे पास 3.2, यानी आप किसी से भी कहेंगे 3.2 वो समझ जाएगा कि 3 तो पूरी पूरी चॉकलेट है उसके पास। और जो 0.2 लिखा है तो 0.2 का मतलब है 2 अपॉन 10, यानी 2 अपॉन 10 को हम कह सकते हैं कि उस चॉकलेट का जो तीसरी चौथी वाली चॉकलेट है उसके 10 पार्ट्स में से हमें 2 पार्ट मिले से। जैसे यहाँ मैंने आपको बन में बताया 10 पार्ट किए गए उसमें से मिला सिर्फ कितना, ये 2 पार्ट मिला। तो उसी तरह से तो इसको हमें एक्सप्रेस अगर करना है तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये बन वाला देखिए यहाँ पर 3 होल है तो यहाँ 3, फिर डेसिमल लगाएंगे। मैंने आपको बताया डेसिमल क्यों लगाते हैं, डेसिमल तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई होल हो और फ्रैक्शन हो, दोनों को अगर हमें एक साथ दिखाना है तो इसके लिए हम डेसिमल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 3 और यहाँ पर 0.2, ये 3.2 हो गया, ठीक है। ये होल नंबर है, ये डेसिमल पार्ट है और ये हमारा डेसिमल है। प्वाइंट को ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं, डेसिमल कहते हैं, इसे हम डेसिमल कहते हैं या फिर प्वाइंट कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि हम डेसिमल कैसे यूज करते हैं या डेसिमल क्या होते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि रीडिंग डेसिमल्स यानी कि डेसिमल्स को कैसे रीड किया जाता है, ठीक है। अगर फ्रैक्शन था तो वो तो बहुत ही आसानी से रीड कर सकते थे, मैंने मान लीजिए 2 होल 1/6 है तो इसे इस तरह से फ्रैक्शन था तो रीड करना मैंने आपको सिखाया था ना कि इसको कैसे रीड करेंगे, ये 2 होल है 1/6, ठीक है। उसी तरह से अगर हमारे पास डेसिमल है कोई नंबर तो उसे कैसे रीड करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो नंबर होता है, डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर होता है वो होल नंबर होता है ना, तो ये हमारा क्या है 3 होल, इसलिए क्या हो गया हमारा 3 होल, ये क्या है हमारा डेसिमल पॉइंट और ये क्या है हमारा डेसिमल पार्ट है, इसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट के बगल में जो नंबर है हमारे राइट साइड में जो भी नंबर्स हैं उसे हम कहेंगे डेसिमल पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारा डेसिमल पार्ट है, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, तो यहाँ देखिए इसे हम ऐसे पढ़ेंगे 3 होल पार्ट, क्या बोल सकते हैं हम इसे 3 होल पार्ट, क्योंकि 3 हमारे क्या है पूरे होल है ना, तो 3 होल पार्ट एंड टू पार्ट्स ऑफ 10 डिवीजन, 2 पार्ट्स ऑफ 10 डिवीजन। बच्चों आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपको डायरेक्ट 3.2 पढ़ना सिखा दिया जाता है लेकिन तब वहां पर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है कि 3.2 हम लोग पढ़ते तो चले जाते हैं आगे क्लास तक लेकिन हम समझ नहीं पाते कि क्या मतलब है पॉइंट के बाद जो 2 लिखा है, ऐसा क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से मैं आपको पढ़ाती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसे हम क्या कह रहे हैं, होल है ये, और अगर पॉइंट के बाद अगर पहला नंबर है तो इसे हम कहेंगे 2 पार्ट ऑफ 10 डिवीजन, यानी यहाँ पर हमने अभी आपको बताया कि 10 डिवीजन किया जाए किसी भी चीज का और उसमें से हमें कितना पार्ट मिले 2, तभी उसे हम क्या कहेंगे 0.2, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको हम पढ़ेंगे 3 होल, पॉइंट को पढ़ेंगे एंड 2 पार्ट ऑफ 10 डिवीजन, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, और यहां मैं और लगा दूं, यहां आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं 3.2, यहां आप इसे क्या कह सकते हैं 3.2, ये भी आप इसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी आप इसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो दो तरह से आपको रीड कर सकते हैं, यहाँ लिखे 3 होल पार्ट एंड 2 पार्ट ऑफ 10 डिवीजन, और इसे कैसे रीड कर सकते हैं 3.2 भी आप इसे क्या कर सकते हैं रीड कर सकते हैं। आप जब इस तरह से रीड करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। आप इस तरह से भी रीड कर सकते हैं क्योंकि ये इजी पड़ता है। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे मैंने कहा ये नंबर मैंने लिखा, ठीक है। अभी इसे हम कैसे पढ़ेंगे, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे 12 हमारा क्या है होल है ना, तो इसे हम पढ़ेंगे 12.247, क्या हम इसे पढ़ेंगे, इसे क्या रीड करेंगे 12.247। बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं कि डेसिमल के बाद जो भी नंबर लिखे होते हैं उसे हम कभी एक साथ नहीं पढ़ते, यानी इसे हम 247 नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी में कई लोग इसे जल्दी जल्दी से बोल जाते हैं कि 12.247, तो ऐसा गलत है, ठीक है। अगर अभी आके आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि इसे रीड कीजिए तो आप इसे कैसे रीड करेंगे, पॉइंट के बाद जो भी नंबर लिखे होते हैं उन्हें हम अलग अलग रीड करते हैं। तो यहाँ पर इसे रीड करिए, देखिए क्या लिखा हुआ, ये लिखा है 12, पॉइंट को आप
पॉइंट लिखेंगे 12.247, इसे क्या रीड करेंगे, 247 नहीं रीड करेंगे, ना ही 247 रीड करेंगे, इसे आप क्या रीड करेंगे, 247, अलग अलग, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 247। तो आप समझ गए कि किसी भी डेसिमल को रीड करना बहुत ही आसान है, ठीक है, लेकिन उसका मतलब पहले आपको समझना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, क्योंकि मैं हर वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, तो इस वीडियो के लास्ट में भी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ जिसे आपको मुझे बताना है। यहाँ पर आपको मुझे बताना है इस नंबर को, आपको मुझे यहाँ पर राइट करके बताना है, ठीक है। ये जो मैंने ये नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को आपको मुझे बताना है कि इसे हम कैसे रीड करेंगे। तो यही हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो बच्चों आपको ये वीडियो जरूर समझ में आई होगी और डेसिमल कितना इम्पोर्टेंट है और हम डेली लाइफ में भी कितना यूज करते हैं। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें इसके और इम्पोर्टेंस पता चलते जाएंगे। तो बच्चों मेरे चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से ही आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे सबसे पहले लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू।